हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। हम लोग आज जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम लोग पियाजे सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसकी दो क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जीन पियाजे ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है, SPCF। आज हम लोग उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सेशन बहुत ज़्यादा आज का इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अवस्थाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत आराम से सेशन को देखना है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, वैसे है नहीं कुछ इसमें। चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, संज्ञान समझ लीजिए। संज्ञान माने क्या होता है? संज्ञान माने होता है जानना या समझना। मानसिक संरचनाएं, मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। अब इनका सिद्धांत क्या है जीन पियाजे का? बहुत आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, जिससे सभी को समझ में आए। सिद्धांत क्या जीन पियाजे का? जीन पियाजे के अनुसार बालकों का वास्तविकता के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालक के परिपक्वता स्तर और ना ही सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर करती है, इन दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे बालक जो भी चीज़ सामने है उसके वास्तविकता में है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, तो उसके बारे में जो वो सोचता है, ठीक है, विचार करता है, तो उसकी जो क्षमता है वो बालक के केवल परिपक्वता स्तर और उसके अनुभव पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। परिपक्वता स्तर होता है मैच्योरिटी, उस काम को करने के लिए योग्य, और अनुभव होता है प्रयास, ठीक है, अभी तक जो उसने सीखा। तो जो भी वास्तविकता के बारे में वो चिंतन करता है, सोचता विचारता है, वो क्या है? वो है हमारा अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है, ना तो परिपक्वता स्तर ना ही अनुभव के द्वारा। बस इसको आपको जस्ट पढ़ना है, इसकी जो स्टेजेस है उनको अच्छे से समझना है। इसको बस पढ़ लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जीन पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसको चार अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है, SPCF। चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनको सभी को हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए जीन पियाजे के सिद्धांत को चार अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर कहीं भी आ जाए कि जीन पियाजे का चार अवस्था का सिद्धांत क्या है, तो इसका मतलब यही है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए अब हम इनकी अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हैं चार अवस्थाएं जीन पियाजे की। तो सबसे पहले इन अवस्थाओं को पढ़ते हैं। पहली अवस्था कौन सी इन्होंने दी? संवेदी पेशीय या इंद्रिय गामक अवस्था। हिंदी में इसके लिए दो नाम हैं। दोनों नाम हमने लिखे हैं, संवेदी पेशीय गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। ये शैशवावस्था की एज में होता है, ठीक है। इसे को इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी एज जो होती है वो 0 से 2 ईयर्स होती है, जन्म से। 0 का मतलब जन्म, जन्म से 2 साल। तो संवेदी पेशी या इंद्रिय गामक अवस्था की उम्र कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष। पहले एक बार इन चारों को देख लेते हैं इंद्रिगा में, फिर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले तो इन अवस्थाओं को ऐसे पढ़ेंगे, फिर ये अलग अलग करके है। संवेदी अवस्था है, इसके आगे कौन से? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी जो स्टेज है, इसमें कंजर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, सीरिएशन है, और लास्ट क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, फिर जो नीचे क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए
तो दूसरी अवस्था कौन सी है, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज कितनी है, जन्म 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ये सब कुछ आपको याद रखना है और एज इट इज करके आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको किस अवस्था में रखा गया, पूर्व बाल्या अवस्था में। इसकी एज क्या होती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था कौन सी है, मूर्त या ठोस या अनौपचारिक अवस्था है। हिंदी में इसके तीन नाम हैं, तीन नामों से आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका समय कितना होता है, 7 साल से 11 वर्ष तक। ये किस अवस्था में आती है, उत्तर बाल्यावस्था में आती है। चौथी अवस्था अमूर्त या औपचारिक अवस्था, ठीक है, इसकी एज जो होती है वो होती है 11 से 18 साल। और कौन सी अवस्था में आ जाती है, ये किशोरावस्था में आती है, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन चारों अवस्थाओं को आप शॉर्ट ट्रिप में याद रखने के लिए SPCF ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, निमोनिक बना के। इससे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनको वन बाई वन। पहली वाली अवस्था है संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष। इसके बारे में क्या है, तो पहले तो शैशवावस्था का समय होता है, तो संवेदी गामक अवस्था जो चलती है वो हमारी शैशवावस्था तक चलती है, जन्म से 2 साल तक। इस अवस्था में बच्चे क्या क्या करते हैं, इस अवस्था के जो सभी हमने जो गुण है वो लिख रखे हैं और ऐसे ही आपको लिख लेने हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को इंद्रियों के अनुभव से सीखते हैं, मतलब ये अवस्था वो होती है जिसमें बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, सेंस जो होती है इसकी बेस्ट टीचर होती है, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है बच्चा, जैसे देखना है, सुनना है, सूंघना है, चीज़ों को पकड़ के इधर उधर करना है, तो ये सब किससे कर रहा है, अपने सेंस से कर रहा है, इंद्रियों से कर रहा है, इसलिए इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। मोटर माने होता है गति करना, सेंसेस माने होता है सेंसेस से, इंद्रियों से, अपने इंद्रियों के माध्यम से गति करता है, इसलिए इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं। अभी अवस्था में दूसरा क्या होता है, डिफर्ड इमिटेशन या नकल उतारना। इसका ये क्या है, जैसे बच्चे ने अपने पापा को शेविंग करते हुए देख लिया, ठीक है, तो वो भी तुरंत ही नहीं, एक दो बार दिन बाद या कुछ ही समय बाद भी ऐसे सेविंग करने का प्रयास करेगा, इसे कहते हैं नकल उतारना, अनुकरण करना, ठीक है। और इस में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस एज में जो चिंतन की शुरुआत होती है वो बहुत इमेच्योर चिंतन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंट, इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चे इस अवस्था के अंत तक, मतलब 2 साल होने तक बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण धीरे धीरे आ जाता है। अब ये वस्तु स्थायित्व क्या है, इसके बारे में अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास में जाकर देख सकते हैं, वस्तु स्थायित्व, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुकरण वही इमिटेशन करना, नकल उतारना, डिफर्ड इमिटेशन। और इस अवस्था की और क्या क्या विशेषता है, प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर बच्चा सीखता है। अगर बच्चा छोटा ही है, क्योंकि अभी उसकी एज कितनी है, जन्म से मात्र 2 साल का हुआ है, तो बार बार वो चीज़ों को करता है, वो खराब होती है फिर दोबारा उनको करता है, तो इसे ये थार्नडाइक का नियम भी है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम, इसी से बच्चा जो है सीखता है। किस अवस्था में सीखता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, इंद्रियगामक अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। जब अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आराम से इसको सीखेंगे। तो पहली अवस्था हमारी कौन सी होगी, संवेदी गामक अवस्था। अब चलिए चलते हैं दूसरी अवस्था के ऊपर।
दूसरी अवस्था हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व या प्राक, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो टाइम है वो कितना होता है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी अवस्थाओं का। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो इस अवस्था को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या गुण होते हैं इस अवस्था के, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं वन बाई वन। तो पहले तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, पूर्व बाल्यावस्था भी इसे कहते हैं, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था तक ही ये चलती है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था का भी समय 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। और क्या होता है इस अवस्था में, धीरे धीरे भाषा का तीव्र विकास होता है। बच्चे मतलब प्री ऑपरेशन स्टेज में आ गए, वो धीरे धीरे भाषा को सीखते हैं। जैसे पहले तो क्या है, कूकना है, चिल्लाना है, यही होते, फिर धीरे धीरे वो छोटे शब्द बोलने लगता है, जैसे पा माँ, ठीक है, ऐसे ऐसे वो बोलने लगता है। तो वो क्या सीख रहा है, वो भाषा सीख रहा है धीरे धीरे, बहुत ज्यादा धीरे, क्योंकि अभी बच्चा कितनी एज का है, मात्र 7 साल तक का ही है। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में और क्या क्या है देखते हैं। अन उत्क्रमणता या पलटावी गुण नहीं होता है बच्चों में, इस अवस्था में पलटावी गुण नहीं होता। वे पलटावी गुण क्या है इसको समझते हैं, देखिएगा पलटावी गुण, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पलटावी गुण। देखिए, आपने बच्चे को दिए 4 + 5 = बच्चे ने ये तो कर लिया, 4 + 5 = 9, लेकिन अगर उसको कह दोगे कि अच्छा अब 9 - 5 करके दिखाओ, तब कितना उत्तर आएगा, तब वो 4 नहीं ला पाएगा, मतलब अपने विचारों में रिवर्स नहीं जा पाता है, इसीलिए उसे कहते हैं अनुत्क्रमणता, इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी गुण। और देख लीजिए, जैसे आपने ये 3 है, ठीक है, तो जैसे 3 है तो बच्चा को आप 3 से 8 तो बना लेगा, जैसे 3 है इनको ऐसे है, ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, 8 हो गए, लेकिन वो 8 से दोबारा 3 नहीं बना पाएगा ऐसे, तो बच्चे में अनुत्क्रमणता, उत्क्रमणता नहीं है, इसे कहते हैं अपलटावी, मतलब बच्चे में पलटावी गुण अभी नहीं है। अब दूसरी अवस्था में पलटावी गुण आ जाएगा, फिर हम इसको एक बार और आपको समझ जाएंगे। रिवर्सिबिलिटी, तो अभी बच्चे में क्या है, इरिवर्सिबिलिटी है, मतलब पलटावी गुण अभी नहीं आया है। अगला क्या है, जीववाद, बच्चे में इस अवस्था में जीववाद होता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि एनीबिज्म जो होता है वो बच्चे में कितनी अवस्था तक होता है, 3 से 6 वर्ष तक। तो 3 से 6 किस में आता है, इसी अवस्था में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो एनिमिज्म। अब एनिमिज्म क्या है, जो कि हमने इससे पहली बार क्लास में पढ़ा था कि बच्चे जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की तरह ही समझते हैं। जैसे बच्चे के मेज से चोट लग गई, बच्चा आपके पास रोते रोते आया कि मम्मी मम्मी मुझे मेज ने मारा है, आपने मेज के 2-3 हाथ लगा दिए, अब बच्चा बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि बच्चा अभी यह समझ रहा है कि जैसे हम रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, वैसे ही ये मेज भी करती होगी। वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स समझ रहा है, निर्जीवों में भी सजीवों की तरह गुण देख रहा है, इसे ही कहते हैं एनीमिज्म, जीववाद। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो जीववाद है वो होता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्या है, अहम केंद्रता, ईगो सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म की एज कितनी है, 3 से 6 साल। तो क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में बच्चे में अहम केंद्रता होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब अहम केंद्रित वार्ता क्या है, जैसे कि यहाँ पर समझते हैं इगोसेंट्रिक स्पीच, जैसे ये सर्किल है, यहाँ पर चाइल्ड है, ठीक है,
बच्चे अपने ही तरह अपने आप को ही सेंटर में रखता है, उसे और किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे उसका अगर बच्चा खेलता है तो बच्चा खेलता है, लड़ता है, जैसे रामू एक बच्चा है मान लीजिए छोटा, तो वो उसका मानना है कि हाँ अगर हम खेलना चाह रहे हैं जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही पापा भी सोच रहे हैं, वैसे ही मम्मी सोच रही, वैसे ही सब कोई सोच रहे हैं, ठीक है। और उसे अपने आप से ही मतलब है, वो किसी से चीज़ों को अपनी शेयर नहीं करना चाहता है, कि सभी चीज़ों को अकेले ही कंज्यूम करना। जैसे उस बच्चे को हमने कोई चीज़ दिलाई तो वो उसको अकेले ही खाएगा, ठीक है, दूसरे को नहीं देगा। तो ईगो है, मतलब ईगो माने यहाँ पर सेल्फ है, स्वयं से, बच्चे को स्वयं से ही मतलब है, इसीलिए इस अवस्था को कहते हैं ईगो सेंट्रिक सिजम, अहम केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रता बात, मतलब जैसा बच्चा समझ रहा है कि हाँ मेरा खेलने का मूड है तो पापा का भी होगा, मम्मी का वो होगा, सभी का होगा, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही सभी समझते हैं, वो दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता है, ठीक है, अपने आप को ही आगे रखता है, अपने आप को ही केंद्र में रखकर सभी चीज़ों को सीखता है, इसे ही कहते हैं हम अहम केंद्रता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, प्रतीकात्मक खेल, इसका मतलब है बच्चे ने आज किसी को कोई काम करते हुए देख लिया, बच्चे ने किसी को डॉल से खेलते हुए देख लिया, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद वो भी गेंद से ही खेलेगा, ठीक है, इसे ही कहते हैं प्रतीकात्मक खेल या विचार। और भी कोई कुछ भी करते हुए देख सकता है, जैसे अगर उसने किसी को कोई चीज बनाते हुए देख लिया, घर बनाते हुए देख लिया, तो वो अपने खिलौने के माध्यम से घर बनाने का प्रयास करेगा, इसे ही कहते हैं प्रतीकात्मक खेल या विचार। नेक्स्ट क्या है, सेंटरिंग, सेंटरिंग का गुण होता है इस अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में सेंटरिंग का गुण पाया जाए। सेंटरिंग क्या होती है, इसे हम इसको पढ़ चुके हैं, सेंटरिंग का मतलब होता है किसी चीज की एक ही चीज को देखना, जैसे एक हमने उस दिन एग्जाम्पल लिया था, जैसे एक गिलास जे है, ये गिलास जे है, ठीक है, दोनों में पानी भरा है, मान लीजिए दोनों पानी से भरे हैं, ये भी पानी से भरा हुआ है, और बच्चे से पूछा कि इन दोनों में किस में पानी ज्यादा है, तो बच्चा दूसरे में ज्यादा बताता है, क्योंकि वो इसकी केवल लंबाई को ही देख रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर इसकी लंबाई ज्यादा है तो इसकी लंबाई तो कम है लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो पानी तो दोनों में बराबर ही है, अब मतलब ही बच्चे में संरक्षण का गुण नहीं आता है, बच्चा एक ही चीज को देख पा रहा है, जैसे अगर इसकी लंबाई है तो लंबाई को देख रहा है, चौड़ाई है तो चौड़ाई को देख रहा है, इसे ही कहते हैं केंद्रीकरण या सेंटरिंग। और इसका उल्टा होता है डिसेंटरिंग, डिसेंटरिंग का गुण नेक्स्ट वाली स्टेज में आ जाएगा। तो कौन कौन से गुण होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, अनुत्क्रमणता होती है, जीववाद होता है, अहम केंद्रता होती है, प्रतीकात्मक खेल है, केंद्रीकरण है। नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, इसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, वो इससे पहले वाली अवस्था कौन सी थी, पूर्व बाल्यावस्था, ये है उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड। अब इसमें देखिए पलटा भी गुण आ जाता है, अब बच्चे में क्या आ गया, पलटा भी गुण आ गया, पर इसको स्कूलिंग एज भी कहते हैं, ठीक है। अब पलटा भी गुण, अब अगर बच्चे से तुमने 4 + 5 दिए, बच्चे ने आंसर बताया 9, अब अगर तुमको उसको 9 - 5 करने का होगा तो वो 4 कर देगा, लेकिन इससे पहले वाली स्टेज में वो नहीं कर पाता था, तो बच्चे में पलटा भी गुण नहीं था, अब बच्चे में क्या आ गया, बच्चे में पलटा भी गुण आ गया है, रिवर्सिबिलिटी आ गई, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इसके आ गया। इस अवस्था में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें, बालकों में संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीएशन, सीरिएशन आ जाता है, इसको आप CSC करके याद रख सकते हैं, आइए इसको आगे समझते हैं। CSC, CSC,
है, जैसे CSC सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ पर आपको याद रखना है सी फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, एस फॉर सीरियसन और सी फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो तीनों ये अलग अलग होते हैं, अब इनको वन बाई वन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है संरक्षण। संरक्षण क्या है, देखिए इससे पहली वाली जो स्टेज में थी प्री ऑपरेशन स्टेज, इसमें क्या था कि बच्चे को जैसे आपने दिया है, जैसे ये बॉले हैं, ये ऐसी किट्टी रखी हुई है, कितनी है, 6 है, ठीक है। अगर हम इनको ऐसे करके रख देंगे तब हैं तो ये 6 ही, अगर इससे पहली वाली अवस्था में बच्चे से पूछा जाता कि बताइए कौन सी ज़्यादा, तो वो इनको ज़्यादा बताता, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता है कि शेप और साइज बदल जाने पर चीज सेम रहती है। लेकिन अब बच्चा बेवकूफ नहीं रहा, अब वो जानता है कि नहीं ये है तो बराबर ही। तो बच्चे में कौन सा गुण आ गया, बच्चे में संरक्षण का गुण आ गया है। जैसे नीचे इसकी समझिए, जैसे इन दोनों में पानी बराबर है, एक लंबी ट्यूब है, एक छोटा सा गिलास है, ये लंबी है ये छोटी है। अब बच्चे से पूछा गया कि बताइए इन दोनों में किसमें ज्यादा है पानी, तो अब बच्चा इससे पहले वाली अवस्था में क्या बता रहा था कि इसमें ज्यादा है केवल इसकी लंबाई देखकर। अब वो कहता नहीं, इसमें और इसमें दोनों में बराबर है, क्योंकि लंबाई बदल जाने पर, शेप और साइज बदल जाने पर क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। तो इसीलिए अब बच्चे में किसका गुण आ गया, अब बच्चे में संरक्षण का गुण आ गया है, इसे ही कंजर्वेशन कहते हैं। ये सभी पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब तो आप आंसर करना, ठीक है। तो बच्चे में कौन सा गुण आ गया, संरक्षण का गुण आ गया, किस अवस्था में आ गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी अवस्था में आ गया। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, हिंदी में इसको कहते हैं वर्गीकरण, चीजों को अलग अलग करना, जैसे जैसे आपने अलग अलग साइज की सभी चीजें देनी है बच्चे को, ठीक है, जे सर्किल है, जे स्क्वायर है, जे रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर इनको मिलाकर मिक्सअप करके आपने अलग अलग करने को दे दिया तो बच्चा इन चीजों को अलग अलग कर लेगा इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, क्योंकि अच्छा इसके भी 4 साइड्स है, इसकी चारों साइडें समान है, इसकी भी 4 साइड है, चारों साइड समान है, तो इनको एक तरफ रख देगा, ठीक है। जे गोल गोल है तो इनको एक तरफ रख देगा, ये रेक्टेंगल है इनको एक तरफ रख लेगा। अब बच्चे क्या है, सभी चीजों को अलग अलग करके करना सीख गया है, अब बच्चे में वर्गीकरण का गुण आ गया, क्लासिफिकेशन का गुण आ गया है। तो क्लासिफिकेशन का गुण किस अवस्था में आता है, क्लासिफिकेशन का गुण कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आता है, जिसकी एज कितनी होती है, कंक्रीट ऑपरेशन की एज होती है 7 से 11 साल, तो 7 से 11 वर्ष का बच्चा ये में क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है। और क्या क्या होता है, लास्ट है सीरियसन। सीरियसन क्या है, सीरियसन मतलब क्रम से चीजों को लगाना, जैसे आपने अलग अलग शेप साइज की अलग राडे दे दी, जैसे ये छोटी राड है, जो इससे बड़ी है, जो इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी, अगर इनको मिक्सअप करके आपने दे दिया तो बच्चा छोटे से बड़े की ओर लगा लेगा और बड़े से छोटे की ओर लगा लेगा, इसे हम क्रमबद्धता भी कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं CSC। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, पुनः तो अपने कहाँ पर थे, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, CSC करके आप रख सकते हैं, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सीरियसन, संरक्षण वर्गीकरण और क्रमबद्धता। अब ये क्या है, इंडक्टिव थिंकिंग, आगमनात्मक थिंकिंग। आगमनात्मक मतलब होता है मूर्त, मूर्त का मतलब क्या है, जो चीजें हमारे आसपास हैं, सामने हैं, तो जिस चीजें वस्तुओं बच्चे के सामने होती है उसके बारे में अब उसमें थिंकिंग भी आ जाती है, अब वो चिंतन भी करने लगता है, इसे ही कहते हैं इंडक्टिव थिंकिंग। और तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, मतलब मूर्त वस्तुओं के प्रति, जो चीजें हमारे सामने होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको मूर्त कहते हैं। अमूर्त किन्हें को कहते हैं, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, जैसे आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई कल्पना है, कुछ भी है, तो वो क्या है, वो अमूर्त है। जैसे 3 + 4 = 7 है, ठीक है, जिसको उंगली के माध्यम से गिन गिन के या वस्तुओं के माध्यम से किया, तो ये क्या हो गया हमारा मूर्त। और केवल माइंड में
कर लिया, आपसे पूछा कि 3 प्लस 4, आपने कह दिया 7, तो आपको ये क्या हो गया, अमूर्त हो गया। चलिए ये तीसरी अवस्था हमारी हो गई, अब लास्ट स्टेज हमारी कौन सी है, लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय कितना होता है, 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये किशोरावस्था की उम्र यही होती है, इसलिए इसको किशोरावस्था भी कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में कौन सी उम्र आ जाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चे में इसमें क्या क्या आ जाता है, बच्चे में डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, डिडक्टिव रीजनिंग। और हाँ, जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, जो आपके माइंड की हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब इस एज तक बच्चे का सबसे ज़्यादा मस्तिष्क विकसित हो जाता है, इसलिए इसको फोर्थ स्टेज या हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा गया है। तार्किक चिंतन की शुरुआत हो ही जाती है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में आ जाती है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, कल्पना है, गहन सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में बच्चा अब सोचना शुरू कर देता है, इसे कहते हैं तार्किक, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग, डिसेंटरिंग जो भी सेंटरिंग पढ़ाता था वो गिलास में पानी वाला, जैसे 2 गिलास लिए थे, 1 गिलास ये 1 गिलास ये, तो बच्चे में विकेंद्रीकरण का गुण आ गया है। कैसा विकेंद्रीकरण, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब उससे अगर पूछा जाएगा किसने क्या ज्यादा, तो वो दोनों में बराबर ही बता देगा, ठीक है, क्योंकि अब उस बच्चे में क्या चुका है, विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग। और इस अवस्था में क्या क्या होता है, अमूर्त चिंतन की शुरुआत, परिकल्पनात्मक चिंतन, हाइपोथेटिक थिंकिंग, हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल है, इसके बाद कोई भी लेवल नहीं होता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, हाइपोथेटिक थिंकिंग, अमूर्त चिंतन की शुरुआत, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विकेंद्रण का गुण आ जाता है, तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। तो हमारी स्टेजेस हो गई, चलिए अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज शुड ए टीचर गिव प्रॉब्लम्स टू सॉल्व रिक्वायरिंग सीरियस, मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता, वही सीरियसन जो भी हम समझ रहे थे, इससे संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए, किस एज में देना चाहिए, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सीरियसन का गुण बच्चे में किस अवस्था में आता है, देखिए सीरियसन, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या आ जाता है, CSC आ जाता है, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सीरियसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा हो जाएगा, ऐसे ही आपको ये ध्यान रखने हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि सीरियसन की बात की तो सीएससी कहाँ आता है, सीएससी हमारा आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा हाँ, पहले अवस्था में बच्चा किससे सीखता है, सेंसेस के माध्यम से सीखता है। दूसरे में क्या होता है, सीएससी पर लैग करता है, इसकी थिंकिंग ज़्यादा बहुत मेच्योर नहीं होती, मेच्योर होती, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है वो आपके माइंड की हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, किस चरण की विशेषता है, वही बात पूछी जा रही कि जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है या थिंकिंग है वो किस अवस्था में आ जाती है, सेंसरी मोटर स्टेज नहीं, इसमें तो बच्चा बहुत छोटा होता है, 2 से जन्म से 2 साल तक एज है, तो इसमें कैसे आ जाएगी, गलत। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है,
थर्ड क्या है, प्री ऑपरेशन स्टेज, जिसकी एज कितनी होती है, 2 से 7 साल। पलटा भी गुण बच्चे में नहीं होता। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज कितनी होती है, 7 से 11 साल। इसमें बच्चे में किसका गुण आ जाता है, बच्चे में आ जाता है सीरिएशन है, कंजर्वेशन है, वही CSC आ जाता है, और बच्चे में पलटा भी गुण आ जाता है। सबसे ज्यादा हाइपो थेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में आती है, वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जन्म, इसका समय कितना है, इसका जन्म है, सॉरी इसका समय होता है 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। इसे किशोरावस्था भी कहते हैं। चलिए आज को सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और क्वेश्चनों को बाद में करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी CTET की तैयारी करना चाहते हैं तब आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।